Welcome on Knowledge News channel. Here we will discuss about the DNA replications. First of all, what is replication? Replication is a process of copying a parental DNA molecule to form a two daughter DNA molecule, or known as replication. Now who proposed the hypothesis of the DNA replication is semi-conservative? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, हाइपोथेसिस दिया था कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है. और एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था फ्रेंड? एक्सपेरिमेंटली जो है डीएनए जो होता है रिप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिवली, ये बताया था आपके मिचेलसन एंड स्टर्ल ने. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन जो प्रोसेस होते हैं उसमें किस तरीके से डीएनए जो होता है वो सिंथेसाइज होता है. तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स. जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं फ्रेंड्स वो शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस के बने होते हैं, इसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. जबकि अगर इसी में फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाए तो वो आपके हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोसाइड में जो होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस होते हैं. तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उसको सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो होता है रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट्स. सेकेंड पॉइंट होता है कि कहाँ से किस जगह से इनिशिएशन ऑफ डीएनए का सिंथेसाइजेशन शुरू हो, तो सबसे पहले उस स्थान को आइडेंटिफाई किया जाता है. तो वो स्थान जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि डीएनए यहीं से सिंथेसिस होने शुरू किया जाएगा, तो वो जो होता है उसी को कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट. इस इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? इनिशिएटर प्रोटीन्स करते हैं. ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं. उसको अनक्वाइल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अनक्वाइल्ड करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम. डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को अनवाइंड करता है. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये खुलता जाता है तो ऊपर की तरफ सुपर कॉइलिंग बनती जाती है. सुपर कॉइलिंग बनती जाएगी तो उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टोपो आइसोमरेजेज. ठीक है फ्रेंड, तो डीएनए हेलिकेज के द्वारा ही ये दोनों स्टैंड डीएनए के दोनों स्टैंड ओपन अप हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं. तो जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन अप हो जाते हैं तो फिर क्या होता होगा? तो चौथा पॉइंट जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर. सबसे पहले आरएनए प्राइमर जो होते हैं उसके फॉर्मेशन होते हैं. तो क्वेश्चन ये राइज होगा, व्हाई आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड इन द डीएनए सिंथेसिस? तो डीएनए के सिंथेसिस में आरएनए प्राइमर का क्या रोल है? तो आरएनए प्राइमर प्रोवाइड द 3' OH ग्रुप इसको प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जो होते हैं अनदर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं 3' OH ग्रुप से. ठीक है, तो वो बेस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो आरएनए प्राइमर का निर्माण कौन करता है? आरएनए प्राइमर के निर्माण के लिए फ्रेंड्स जो होते हैं वो आरएनए प्राइमेज एंजाइम नामक जो होते हैं एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है. आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर रिक्वायरमेंट होता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड. कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है वो लगातार सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं या लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं.
हम दूसरे स्ट्रैंड को देख रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं या लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन सेराइज होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में क्या डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंसेज होता है। तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है। इसमें एक केवल प्राइमर आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कई यानी मेनी प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होते हैं एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स ये आपको हमेशा दिमाग में बनाए रखना होगा कि डीएनए का सिंथेसाइजेशन जो होता है वो हमेशा 5' to 3' ही होता है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन इस फिगर के ऊपर भी पूछ दिया जाएगा कि आप इसकी पोलरिटी बताइए, ये सारे के सारे इरेज कर दिए जाएंगे और उसकी पोलरिटी के बारे में आपको बताना होगा। जैसे यहाँ सब हटा दिया जाएगा, तो आप ये जानते हैं कि अगर ये 5' है तो ये 3' है, तो यहाँ पर 3' और ये 5'। रीज़न है क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस तरीके से आप किसी की भी पोलरिटी आसानी से जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चौथा पॉइंट फार्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। प्राइमर के बनने के बाद जो होता है इस प्राइमर को रिमूव करना होता है, क्योंकि डीएनए में आरएनए का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, केवल रिक्वायरमेंट केवल यही होता है कि बेस प्रोवाइड करता है। तो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर रिमूव कैसे होते हैं, आरएनएज एच एंजाइम के द्वारा, आरएनएज एच के द्वारा जो होते हैं वो आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाते हैं। आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाते हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फिर से सिंथेसाइज कर देता है। इस तरीके से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करने के बाद यहाँ पर एक नेक जो होता है छूट जाता है, यानी ये गैप रह जाता है, ये गैप। तो इन गैप को भरने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है लाइगेज, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम्स जो होता है गैप को क्या करता है, फील करता है, इसलिए इसको सीलिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, इसको सीलिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये सीलिंग सील कर देता है और पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज, और ये डीएनए हेलिकेज लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। प्रूफ रीडिंग लास्ट है, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। रीज़न होता है कि डीएनए जब लगातार सिंथेसाइज होता जाता है तो उसमें कुछ मिसमैच बेस पेयर भी जो होते हैं जुड़ जाते हैं, उसको हटाने का काम कौन करता है, उसको हटाने का काम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उसके पास होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, क्या करता है उस पॉइंट जहाँ पर भी मिसमैच बेस पेयर की मिसमैचिंग हुई होगी उसको हटा देगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सबसे पहले डीएनए के सिंथेसिस के लिए हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डीएनए को अनवाइंड करती है। अनवाइंड करने के बाद आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है और वो लगातार सिंथेसाइज करता जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर भी होता सिंथेसाइज होगा। तो इस तरीके से डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है और इसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो होता है आपको ये एक फ्रेंड्स ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं रिजी ओकाजाकी जापानीज साइंटिस्ट थे उनके द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका डीएनए रिप्लिकेशन का सेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और जनरली आप एनसीईआरटी के जितने भी कोर्स फिगर्स हैं वो जनरली लर्न कर जाएं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में 14 तारीख को जो आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फिगर का, बायोलॉजी में फिगर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इस फिगर को सारे फिगर्स को आप लर्न कर जाएँ, डायग्राम ड्रा कर करके बार बार उसको बनाएं और याद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।